तो आज हम लोग देखेंगे बच्चों कहाँ से, क्वेश्चन नंबर 7 से, एक्सरसाइज 4.2 है। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोग की कंप्लीट हो गए थे। जिन बच्चों ने वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में जाए, लिंक पढ़िए और जाके वो वीडियो देख लें। तो देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 7। अब क्वेश्चन नंबर जो 7 है बच्चों, वो बाय यूजिंग प्रॉपर्टी, मतलब प्रॉपर्टी का यूज़ करना है और उसको मतलब हम लोग को प्रूव करना है। तो क्वेश्चन नंबर 7 जो लिखा हुआ बच्चों यहाँ पे, डिटर्मिनेंट्स माइनस ए स्क्वायर ए बी ए सी बी ए माइनस बी स्क्वायर बी सी सी ए सी बी माइनस का सी स्क्वायर, और हम लोग को प्रूफ जो करना है वो लिखा है 4a² b² और ये सी स्क्वायर, ये बच्चों हम लोग को प्रूफ करना है, ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी का यूज़ करना है ये तो कहा गया है, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि विदाउट एक्सपेंडिंग, मतलब कि कहीं ना कहीं हमें लास्ट में एक्सपेंड भी करना पड़ेगा। बट प्रॉपर्टी का यूज़ करना है तो कहीं ना कहीं हम लोग को मैक्सिमम जीरो करने पड़ेंगे। मैंने बताया था पिछली वीडियो में कि मैक्सिमम जीरो आप जब कर लेंगे तो उसके बाद आप एक्सपेंड कर सकते हैं। हम लोग को करना क्या होता है, मैक्सिमम जीरो, जैसे कि कोई भी दो ये जीरो हो जाए या फिर ये कोई भी दो जीरो हो जाए, कोई भी एक रो में या कोई भी कॉलम में दो एलिमेंट्स क्या हो जाए, जीरो हो जाए, जिससे कि एक्सपेंड करना ईजी रहे बच्चों से, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं यहाँ पे हम लोग को 4a² b² c² बच्चों प्रूव करना है। तो LHS में थोड़ा सा गौर करिए बच्चों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखिए, यहाँ पे ए स्क्वायर, यहाँ पे ए, यहाँ पे, यहाँ पे ए, सॉरी यहाँ बी 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 और यहाँ सी सी सी, तीनों में दिख रहा है आपको। तो ये कॉमन के तौर पे बाहर ले लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी कॉमन लेंगे तो यहाँ पे माइनस का ए बचेगा, यहाँ पे बी रो से लिया बच्चों, रो से आर वन से आर टू से और आर थ्री से, और यहाँ पे सी, यहाँ पे बी कॉमन लिया तो यहाँ पे ए, यहाँ पे माइनस का बी, सॉरी हाँ बी बचेगा बच्चों यहाँ पे, और यहाँ पे सी, यहाँ से सी कॉमन लिया तो बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा ए, यहाँ पे बी और यहाँ पे माइनस का सी। अब गौर करिए, कॉमन फिर से मिल रहा है बच्चों, अब इससे ए मिल रहा है, इससे बी मिल रहा है और इससे क्या मिल रहा है, सी मिल रहा है। तो फिर से कॉमन लीजिए आप, तो ए कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, बी कॉमन लेंगे तो बी स्क्वायर और सी स्क्वायर हो जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस वन, ये वन और ये वन, यहाँ पे वन माइनस वन और ये वन, यहाँ पे वन वन और ये माइनस वन। समझ आया सही बच्चों को, सिंपल हमने क्या किया, दो बार कॉमन लिया। ये मैंने प्रॉपर्टीज बताई थी बच्चों, किसी भी रो या कॉलम में आपको कुछ भी कॉमन मिल रहा है तो आप कॉमन ले सकते हैं। तो इसमें से मुझे कॉमन मिला ए, यहाँ बी, यहाँ सी, जब मैंने यहाँ से कॉमन लिया ए तो ये बचा, लेकिन जब इधर देखिए तो यहाँ से भी कॉमन मिल रहा है ए, तो फिर मैंने ए ले लिया तो ए स्क्वायर बन गया। अब मैं सोच रहा हूँ, मैंने कहा था मैक्सिमम जीरो करने के लिए, तो अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूँ, मतलब सी वन सी टू ऐड कर दूँ, देखिए ध्यान से, सी वन ये ना और ये सी टू है, अगर ऐड कर दूँ तो माइनस वन प्लस वन कितना हो जाएगा जीरो, वन माइनस वन कितना हो जाएगा जीरो और वन वन ये क्या हो जाएगा टू। तो मतलब हम लोग का काम यहाँ पे इजी हो जाएगा कि यहाँ पे दो टर्म्स क्या हो जाएंगे जीरो। और चलिए तो पहले ये कर लेते हैं, सी वन में पहले ऐड कर लेते हैं, सिंपल सा सी वन प्लस सी टू कर लेते हैं, ठीक है। सी वन प्लस सी टू जैसे ही करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर तो है, वन में वन ऐड किया तो माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो और वन वन टू। अच्छा हम लोग इधर भी कर लेते हैं, मतलब इसको भी इसमें ऐड कर लेते हैं तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा। तो देखिए बच्चों सी टू को भी चेंज कर दे रहे हैं, सी टू प्लस सी थ्री, इससे फायदा ये होगा कि वन वन यहाँ पे टू हो जाएगा और माइनस वन प्लस वन जीरो, वन माइनस वन जीरो, ठीक है। अब यहाँ पर आप नहीं कर सकते हैं बच्चों, यहाँ पे आप इसलिए नहीं कर सकते हैं बच्चों क्योंकि आपने सी वन से सी टू कर लिया, सी टू से सी थ्री कर लिया, लेकिन अब जब ये यूज़ कर चुके हैं तो उसको अब यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए सी थ्री को नहीं कर सकते। तो दो बार आप प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा रहे हैं सी वन में, सी वन प्लस सी टू और सी टू प्लस सी थ्री, अभी दो टर्म जीरो हो गए। तो टेकिंग कोई भी ले लीजिए आप, चाहे ये ले लीजिए, ये ले लीजिए, कोई भी ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैंने सी वन ले लिया, टेकिंग सी वन और सी वन लेके इसको क्या कर दिया, एक्सपेंड किया। साइन तो ध्यान होगा बच्चों आपको, साइन कैसे होते हैं, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, इस प्रकार से होते हैं। तो यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर बच्चों, और ये टू है यहाँ पे कि प्लस माइनस प्लस सिंपल टू लिया जाएगा। तो टू के सामने की रो, टू मतलब ये रो, ये बंद हो गया और ये बंद हो गया, मतलब ये
ये मतलब ये पूरा बंद क्लोज हो गया और ये पूरा क्लोज हो गया, तो ये बचा जो ये चीज इतनी चीज, तो क्रॉस करिए टू वन जा टू और माइनस का जीरो, जीरो वन जा जीरो और टू में जीरो जाएगा टू बचा, टू जा कितना हो जाएगा बच्चों फोर, तो यहाँ पे आ जाएगा फोर ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। सो न्याय सही बच्चों को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था बच्चों, सभी बच्चे नोट कर लीजिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर एट। क्वेश्चन नंबर एट में लिखा है बच्चों, एट का फर्स्ट बच्चों, एट में दो पार्ट है, ये वन ये वन ये वन ये ए स्क्वायर ये बी स्क्वायर ये सी और ये सी स्क्वायर इज इक्वल टू में प्रूव करना है ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस सी, ये हम लोग को प्रूव करना है। चलिए ये तो क्वेश्चन इजी है बच्चों, क्योंकि जब आप लोग लगा लेंगे ना बहुत सारे क्वेश्चन, जब प्रैक्टिस हो जाएगी तो ये आपको क्वेश्चन बहुत ही इजी लगेगा बच्चों। लेकिन अभी आप समझिए बच्चों इस क्वेश्चन को करने कैसे, जब भी बच्चों कभी भी वन आ जाए तो समझ लीजिए आपका काम इजी हो गया, क्योंकि वन वन आ गया तो इससे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो और इससे इसको माइनस कर देंगे तो यहाँ जीरो, दो टर्म जीरो हो जाएंगे। और मैंने क्या कहा था कि हमें मैक्सिमम जीरो करने हैं, तो मैक्सिमम जीरो जैसे ही हो जाएंगे उसके बाद क्या कर देंगे एक्सपेंड कर देंगे हम लोग का आंसर आ जाएगा। तो ये बताइए इससे आप इसको माइनस कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, आर वन से आर टू माइनस कर रहे हैं। हाँ ये अगर इससे इसे करते तो सी वन से सी टू कर रहे हैं, लेकिन इससे इसको माइनस कर रहे हैं तो मतलब कि आप आर वन को चेंज कर रहे हैं आर वन माइनस आर टू कर रहे हैं, और आर टू को भी चेंज कर रहे हैं आर टू से क्या कर रहे हैं आर टू माइनस आर थ्री, R3 को नहीं कर सकते क्योंकि R1 आप यूज कर चुके हैं R2 भी यूज कर चुके हैं, ठीक है, इसीलिए R3 को नहीं कर सकते हैं। चलिए 1 में 1 गया 0, R1 में जो पूरा ये R1 है R1 पूरा 1 में 1 गया 0, और यहां बताइए A माइनस बी, यहां बताइए A स्क्वायर माइनस का B स्क्वायर, 1 में 1 गया 0, यहां बताइए बच्चों B माइनस सी, और यहां बताइए बच्चों B स्क्वायर माइनस का C स्क्वायर, यहां वन का वन यहां पे सी और यहां पे सी स्क्वायर। अब बच्चों थोड़ा सा गौर करिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला मालूम है सही बच्चों को क्या होता है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ये फॉर्मूला मैं यहां पे लिख देता हूं, तो जीरो ए माइनस बी और ये मैंने फॉर्मूला लिख दिया ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है। अब ये फॉर्मूला और जीरो यहाँ बी माइनस सी और यहाँ भी मैंने लगा दिया फॉर्मूला बी प्लस सी और बी माइनस सी, और ये वन और ये सी और ये सी स्क्वायर, ठीक है। अब ध्यान से देखिए बच्चों यहाँ पे कॉमन मिल रहा है, अच्छा जीरो से तो कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, जीरो से कोई इफेक्ट नहीं, तो कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ पर ए माइनस बी, देखिए दोनों में सेम है, यहाँ से कॉमन क्या मिल रहा है बी माइनस सी, तो ये कॉमन लीजिए पहले आप, तो ए माइनस बी और b माइनस सी मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, तो जैसे ही a माइनस बी और b माइनस सी मैंने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या बचा, जीरो यहाँ वन और यहाँ पे a प्लस बी, यहाँ पे जीरो यहाँ पे वन b माइनस सी चला गया बच्चों कॉमन, यहाँ पे b प्लस सी और यहाँ पे वन c और c स्क्वायर, चाहो तो आप यहाँ से इसको एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंड करेंगे तो आंसर आ जाएगा, चाहो तो आप एक बार और कर लो मतलब इससे इसको माइनस, मतलब आर वन को आर टू से बार और माइनस कर दो तो यहाँ पे जीरो हो जाएगा चाहो तो, नहीं तो मैं सीधे सीधे क्या कर देता हूँ एक्सपेंड, टेकिंग क्या लेने पर सी वन, टेकिंग सी वन इधर बच्चों कर दे रहा हूँ ए माइनस बी बी माइनस सी, तो ये प्लस माइनस प्लस मतलब वन सिंपल रहेगा, जब वन लेंगे तो ये क्लोज हो जाएगा और ये क्लोज हो जाएगा, ये और ये क्लोज हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर इनटू होगा तो क्या आएगा बी प्लस सी, ठीक है। फिर क्या होता है बी जब माइनस और इसका इनटू इससे होगा तो वही आ जाएगा ए प्लस बी, लेकिन बाहर माइनस तो माइनस का ए और माइनस का बी, राइट है, और वन का इनटू यहाँ पे, तो यहाँ पे बी से बी कट जाएगा तो क्या जाएगा सी माइनस ए, तो आंसर क्या जाएगा ए माइनस बी बी माइनस सी और सी माइनस ए, राइट है बच्चों। आ गया समझ सभी को, सिंपल का क्वेश्चन था बच्चों, ज़्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं था बच्चों। आप देखते हैं एट्थ का सेकेंड नंबर, अच्छा बच्चों अब एट्थ का सेकेंड आप लोग लगा लेंगे जहाँ तक, ठीक है, अगर तब भी नहीं आ रहा बच्चों, अब अगर एट्थ का सेकेंड नहीं आ रहा है तो आप बोल दीजिए कमेंट बॉक्स में, हम मैं बता दूंगा दोबारा उसको, ठीक है। अब देखते हैं नाइन्थ नंबर, ठीक है, नाइन्थ नंबर देख लीजिए सभी बच्चे,
ये लिखा हुआ है x, एक्स स्क्वायर, ये वाई जेड, यहाँ y, वाई स्क्वायर, यहाँ पे जेड एक्स, यहाँ जेड, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस का जेड एक्स, ये हम लोग को बच्चों यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए देखिए बच्चों, ये भी क्वेश्चन अच्छा है। अब यहाँ पे वन वन नहीं दे रखा है, अब जब वन वन नहीं दे रखा हो आपको, तो आप थोड़ा सा हेल्प लेंगे जो आपको प्रूफ करना है, इस पर थोड़ा सा हेल्प लीजिए। लाना क्या बताइए, एक्स माइनस वाई, तो एक्स ये है और वाई ये है, तो समझ जाइए कि एक्स माइनस वाई लाना, तो इसको इससे माइनस करना पड़ेगा, मतलब कि आर वन से आर टू माइनस करना पड़ेगा। जब आर वन से आर टू माइनस करेंगे तभी तो एक्स माइनस वाई आएगा, y माइनस जेड मतलब इसको इससे माइनस करना पड़ेगा। अब z माइनस एक्स वो बाद में अपने आप से बनेगा, क्योंकि हम लोग एक बार में दो यूज कर सकते हैं, आर वन आर टू कर सकते हैं ना बच्चों, आर थ्री नहीं कर सकते क्योंकि आर वन आर टू यूज हो चुके हैं बच्चों। तो आर वन को हम लोग चेंज कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कर रहे हैं, आर वन माइनस आर टू, और साथ में आर टू को भी चेंज कर रहे हैं आर टू माइनस किसे, आर थ्री से। चलिए बच्चों करिए यहाँ पे, जैसे आप यहाँ पे माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, एक्स माइनस वाई, यहाँ पे आएगा एक्स स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर, और यहाँ पर आएगा वाई जेड माइनस का जेड एक्स। ठीक है, यहाँ पे करेंगे तो क्या आएगा, वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस का जेड स्क्वायर, जेड एक्स माइनस का एक्स वाई, और ये जेड है, ये जेड स्क्वायर है, और ये एक्स वाई है। ठीक है बच्चों, ये हो गया। चलिए आगे चले बच्चों यहाँ पे, अब देखिए फॉर्मूले लगाएंगे हम यहाँ पे, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, अब सॉल्व करना है आपको, x प्लस वाई और x माइनस वाई, ए प्लस बी ए माइनस बी जो कि फॉर्मूला होता है, कॉमन क्या मिलेगा यहाँ पे, z, क्या बचेगा, y माइनस एक्स, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x माइनस वाई कर रहे हैं, यहाँ पे y माइनस एक्स आ गया, उल्टा आ गया, कोई बात नहीं, y माइनस जेड, यहाँ पे फॉर्मूला बताइए, y प्लस जेड, y माइनस जेड, यहाँ पे कॉमन क्या मिलेगा, x, तो कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, z माइनस वाई, यहाँ z, यहाँ जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स वाई। ठीक है, ये y लिखा है। अच्छा, अब कॉमन क्या मिल रहा है यहाँ से, ध्यान से देखिए कॉमन क्या मिल रहा है, आप कहेंगे कुछ भी नहीं, मैं कहूँगा x माइनस वाई कॉमन मिल रहा है यहाँ पे, इसको अगर माइनस कॉमन ले लें, माइनस जेड कर लें यहाँ पर, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई नहीं हो जाएगा, तो इससे आप कॉमन लेंगे x माइनस वाई, इससे कॉमन लेंगे y माइनस जेड, तो आप यहाँ पे जेड नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माइनस जेड, क्योंकि भाई ये y माइनस एक्स लिखा है ना, उल्टा लिखा हुआ है, तो यहाँ पे माइनस जेड लिखेंगे, यहाँ पे माइनस एक्स लिखेंगे। ठीक है, चलिए कॉमन ले लेते हैं हम लोग x माइनस वाई, और यहाँ से ले लेते हैं y माइनस जेड, कॉमन जैसे ही लिया, यहाँ पे वन बचा, यहाँ पे x प्लस वाई बचा, यहाँ पे माइनस का जेड बचा, यहाँ बताइए यहाँ पे भी वन बचा, यहाँ वाई प्लस जेड बचा, और यहाँ पे माइनस का एक्स बचा। ठीक है, और यहाँ जेड बचा, यहाँ जेड स्क्वायर बचा, यहाँ पे एक्स वाई बचा। चलिए अब तो वन वन आ गया है बच्चों, तो फिर से माइनस कर देते हैं, आर वन को आर टू से माइनस कर देते हैं, जिससे कि ये जीरो हो जाएगा। तो भाई हमने क्या किया, आर वन को चेंज किया आर आर माइनस आर टू। ठीक है, तो चलिए करते हैं बच्चों, यही कर देते हैं, एक्स माइनस वाई और वाई माइनस जेड, और इसको यहाँ माइनस करेंगे, वन से वन गया जीरो। अच्छा, जब इसको माइनस करेंगे तो वाई से वाई कट जाएगा ना, क्या बचेगा, एक्स माइनस जेड। ठीक है, और यहाँ माइनस करेंगे तो माइनस का जेड, और ये करेंगे तो माइनस माइनस क्या देगा, प्लस, तो क्या बचेगा, माइनस जेड प्लस एक्स। ठीक है, सही है, और तो कुछ करना नहीं हम लोग को, तो वन वाई प्लस जेड माइनस एक्स, और ये जेड, और ये जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई। ठीक है, ये वाई लिखा है बच्चों। चलते हैं ऊपर, इधर इस साइड आते हैं,
देखिए यहाँ पर हमें लाना क्या है, जेड माइनस एक्स। तो हम लोग यहाँ पे ये तो जेड माइनस एक्स नहीं लिखा है बच्चों, ये भी नहीं लिखा है जेड माइनस एक्स, तो क्या करेंगे कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स। तो ये माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, तो माइनस वन बचेगा यहाँ भी, यहाँ पर भी क्या बचेगा माइनस का वन। ठीक है, जेड माइनस एक्स कॉमन ले लो, जो समझा रहे थे बच्चों को, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और यहाँ पे कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स, क्योंकि यहाँ पे तो जीरो हो ही चुका है बच्चों, यहाँ से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं। यहाँ पे क्या बचेगा माइनस का वन, और यहाँ पे भी क्या बचेगा माइनस का वन, है ना, बचेगा बच्चों, और बाकी में कोई दिक्कत नहीं। वन वाई प्लस जेड माइनस का एक्स, और ये जेड, ये जेड स्क्वायर, और ये एक्स वाई। ठीक है, आप बताइए बच्चों, माइनस वन, ये माइनस वन, अगर हम इससे इसको माइनस कर दें तो यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, बताइए यहाँ पे जीरो हो जाएंगे, तो दो टर्म जीरो, दो एलिमेंट जीरो हो जाएंगे, तो एक्सपेंड कर सकते हैं इजिली। तो हमने क्या किया, सी टू को चेंज किया, हाँ ध्यान दीजिए, इससे इसको माइनस करें तो सी टू को सी थ्री से, सी टू माइनस सी थ्री। बच्चों माइनस करेंगे तभी तो जीरो हो जाएगा, प्लस करेंगे तो माइनस माइनस टू नहीं हो जाएगा बच्चों यहाँ पे। तो एक्स को एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स लिखा मैंने, और यहाँ पर मैंने जीरो माइनस जीरो, और ये वन, और ये जेड ऐसे ही लिखा, माइनस वन से माइनस वन जाएगा तो कितना हो जाएगा जीरो। और यहाँ पे ध्यान दीजिए, वाई प्लस जेड, और ये करेंगे माइनस माइनस, क्या हो जाएगा बच्चों प्लस का एक्स, और यहाँ पे जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई। ठीक है, और माइनस वन माइनस एक्स और एक्स वाई। ठीक है, अब एक्सपेंड करें बच्चों आर वन लेके, टेकिंग आर वन, आर वन लेके क्या कर देंगे इसको एक्सपेंड कर देंगे। तो बताइए बच्चों, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, बड़ा ब्रैकेट लगा दें माइनस वन लेके एक्सपेंड, क्योंकि यहाँ प्लस माइनस प्लस, तो ये क्लोज और ये क्लोज, मतलब ये पूरा बंद और ये पूरा बंद, तो इसका इंटू इसमें करिए तो बताइए क्या बचेगा, जेड स्क्वायर माइनस का एक्स वाई, फिर माइनस होता है इसका इंटू इसमें करिए, लेकिन सब प्लस के होंगे तो, लेकिन यहाँ बाहर माइनस है सब माइनस के आएंगे, तो माइनस का वाई जेड माइनस का जेड स्क्वायर माइनस का जेड एक्स। ठीक है, ये बड़ा ब्रैकेट क्लोज, देखिए यहाँ पे एक टर्म्स कट जाएगा, जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर बच्चों क्या हो जाएगा कट जाएगा, बाकी से बच्चों माइनस कॉमन ले लीजिए तो माइनस माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों प्लस हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा बताइए, एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और जेड माइनस एक्स, और माइनस जैसे ही आप कॉमन लेंगे यहाँ पे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो एक्स वाई, वाई जेड, और ये जेड एक्स, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस। ठीक है, थोड़ा लॉन्ग क्वेश्चन है, ये मानते कि लॉन्ग क्वेश्चन है, बट इतना डिफिकल्ट नहीं है कि आप लोग लगा ना पाए, धीरे धीरे ट्राई करिए बच्चों, तो आपके क्वेश्चन आने लगेंगे। ठीक है, अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 के बच्चों फर्स्ट में लिखा हुआ है, टेन का फर्स्ट है एक्स प्लस फोर, टू एक्स एक्स प्लस फोर, टू एक्स और यहां पे एक्स प्लस फोर। प्रूव करना है बच्चों 5x प्लस 4 और 4 माइनस एक्स सॉरी का होल स्क्वायर। ठीक है, 4 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चलिए बच्चों देखिए करते हैं क्वेश्चंस को, सिंपल सी बात है, आपको पहले 5x प्लस का 4 लाना है, तो 5x प्लस का 4 सोचिए कहां पर दिख रहा है आपको कहीं 5x प्लस 4, अगर मैं तीनों को चाहे इधर से ऐड कर लूं चाहे इधर से ऐड कर दूं, देखिए ऐसे देखिए C1 C2 C3, अगर C1 C2 C3 तीनों को ऐड कर दूं तो 2x 2x कितना 4x, और 4x x कितना हो जाएगा 5x, यहाँ पर भी वही होगा 5x, यहाँ पर भी वही होगा 5x प्लस का 4, तो कौन मिल जाएगा बच्चों, तो कर दे ऐड, तो ठीक है ऐड कर ले रहे भाई, LHS C1 को हमने क्या किया चेंज किया C1 प्लस C2 प्लस C3। ठीक है, तो एक्स प्लस टू एक्स प्लस टू एक्स कितना हो जाएगा 5x प्लस का 4, यहाँ भी देखिए देखिए बच्चों यहाँ पे कितना हो जाएगा बताइए 5x प्लस 4, यहाँ पर बताइए सेम वही 5x प्लस 4, बाकी कुछ करना नहीं हम लोग को 2x
2x, एक्स प्लस 4, 2x, 2x और एक्स प्लस 4। कॉमन क्या मिलेगा इससे बच्चों? इससे कॉमन मिलेगा क्या? 5x प्लस 4। तो बता दीजिए बच्चों यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ 1, यहाँ 1, यहाँ 1 बचेगा। 1 बच्चों कॉमन ले लिया ना मैंने, वो 5x प्लस का 4, 2x, 2x, एक्स प्लस 4, ठीक है। अब कॉमन ले लिया तो भैया अब क्या करेंगे? 1, 1, 1 आया था तो मैंने याद करो क्या बताया था कि बस माइनस करना है। तो इससे इसको मतलब R1 को R2 से और R2 को R3 से माइनस करेंगे। तो R1 चेंज कर रहे हैं R1 माइनस R2, और R2 को भी चेंज कर रहे हैं R2 माइनस R3, ठीक है। चलिए भाई कर दीजिए माइनस। तो जैसे ही माइनस करेंगे तो 1 से 1 जाएगा 0, 2x से ये सबट्रैक्ट होगा तो 2x से x जाएगा तो x बचेगा, और 4 जो प्लस का तो माइनस का हो जाएगा ना, क्योंकि माइनस करेंगे ना। देखिए जरा 2x माइनस x माइनस 4, ठीक है। 2x में x क्या बच्चों? x बचेगा और 4, ठीक है, x माइनस 4। 2x में 2x गया बच्चों कितना बचेगा? 0। 1 में 1 गया 0। x प्लस 4 में 2x जाएगा तो कितना बचेगा भाई? ये x प्लस 4 है, ये माइनस का 2x है, तो कितना बचेगा? माइनस का x और ये प्लस का 4, और 2x जाएगा तो कितना बचेगा भाई? x माइनस 4, ये 1, ये 2x और ये x प्लस 4, ठीक है। अब बताइए यहाँ पे 2 0 होगा यहाँ पे, ठीक है बच्चों। c1 लेके इसको क्या कर देंगे? एक्सपेंड कर देंगे, टेकिंग c1। तो c1 लेके आप एक्सपेंड करेंगे तो बताइए बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 5x प्लस 4। तो आप इसमें क्या लिखा है? यहाँ 1 लिखा है सिंपल, क्योंकि बाकी तो 2 0 हैं। तो ये क्लोज, ये क्लोज, इसका इसका इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 4 का बड़ा ब्रैकेट लगा देते बच्चों, एक्स माइनस 4 का होल स्क्वायर, और इसका इंटू 0 से हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये 1 तो बाहर था बच्चों, बच्चों 1 से कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं बच्चों यहाँ पे। तो 5x प्लस का 4 और x माइनस 4 का होल स्क्वायर, ठीक है। LHS इक्वल टू RHS, समझ आ गया सही बच्चों को? तो यहाँ तक बच्चों क्वेश्चन कंप्लीट कर लीजिए। और भी कोई भी चीज़ आपको नहीं समझ आ रही तो प्लीज़ पूछिए, ठीक है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए बच्चों, मैं बता दूंगा। जो भी नए क्वेश्चन हैं डिटर्मिनेंट्स के आप जरूर से पूछ सकते हैं बच्चों, ओके बच्चों। तो कल मिलेंगे 10th के 2nd से बच्चों, ट्राई करिए आगे लगाने का, जो नहीं आएगा तो मैं तो बताऊँगा बच्चों, ठीक है।